गाइस आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं न्यू कबड्डी लीग की डेट्स के बारे में। सो गाइस बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए कि न्यू कबड्डी लीग क्या कब से चालू हो रही है, क्योंकि अभी न्यू कबड्डी लीग वालों ने एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट कर दी थी कि न्यू कबड्डी लीग जो 19 सितंबर से चालू होने वाली थी वो अब हमें 19 सितंबर से चालू होती हुई नहीं दिखी है, क्योंकि गाइस 23 सितंबर हो ही चुकी है और 19 सितंबर को हमें जो न्यू कबड्डी लीग चालू होती हुई दिखने वाली थी वो गाइस नहीं चालू हो पाई है ड्यू टू स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम्स। गाइस यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी प्रो कबड्डी लीग के साथ भी। प्रो कबड्डी लीग भी हमें 5 अक्टूबर के साल पहले चालू होते दिखे, फिर 18 नवंबर से चालू होते हुए दिखी, कई जगह रूमर्स आए, अब फाइनल निकल कर आ रहे हैं कि 7 अक्टूबर से हमें न्यू प्रो कबड्डी लीग हमें चालू होती हुई दिखेगी। गाइज अभी वो भी फाइनल नहीं है कि वो भी 7 अक्टूबर से ही चालू होगी या फिर नहीं, बट गाइज अभी तक तो स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है प्रो कबड्डी लीग की भी। सो गाइज हो सकता है कि वो 7 अक्टूबर फाइनल डेट हो, क्योंकि गाइज टीवी पे भी कई सारी एड्स आ चुकी है। सो गाइज ये तो बात हो गई प्रो कबड्डी लीग की, बट गाइज अब हम बात कर लें न्यू कबड्डी लीग की। सो न्यू कबड्डी लीग की भी कई सारी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी थी कि 19 सितंबर से ये लीग चालू होने वाली है, पर गाइज ये लीग 19 सितंबर से चालू नहीं हुई ड्यू टू स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम्स। पर गाइज अब ये लीग ने कंफर्म कर दिया है कि ये लीग चालू होने वाली है अक्टूबर टू नवंबर के बीच में, मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही ये लीग हमें चालू तो दिखेगी। गाइस इस लीग के कई सारे प्लेयर्स या फिर मैं बात करूं कई सारे फैंस भी मतलब इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि जो ये लीग 19 सितंबर से चालू होने वाली थी वो थोड़ी डिले कर दी गई है। सो गाइस उन्हें लग रहा है कि ये लीग फेक है या फिर ये लीग चालू होने नहीं वाली। सो गाइस मैं उनको बता दूं कि 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की इस लीग पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और गाइस अब इस लीग का बंद होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। और गाइस ये लीग के गाइस इतनी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है गाइस कि अब न्यू कबड्डी लीग बंद नहीं हो सकती गाइस ड्यू टू स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि सिर्फ ड्यू टू स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि गाइस स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बिना आप किसी चैनल पे अपनी लीग को लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते, कहीं आप होल्डिंग नहीं छपवा सकते, मतलब बहुत सारे स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गाइस, उस वजह से ये लीग थोड़ी डिले हुई है। बट गाइस मैं आपको एक फाइनल अपडेट बता रहा हूँ कि अक्टूबर टू नवंबर के बीच में आपको ये लीग चालू होती हुई देखिए गाइज। अभी तो डेट्स एकदम कंफर्म नहीं है, बट गाइज बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है न्यू कबड्डी लीग की भी डेट से रिलेटेड। गाइज डेट जैसे ही कंफर्म होगी गाइज सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा देना बगल वाला, क्योंकि गाइज नोटिफिकेशन वहीं से मिलेगी आपको। अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा न्यू कबड्डी लीग के साथ साथ और भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, सो गाइज बेल आइकन दबाओगे जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और गाइज सारी न्यू कबड्डी लीग की आपको मैं इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो है मेरी न्यू कबड्डी लीग के प्लेलिस्ट का लिंक गाइज, क्योंकि वीडियोज़ के इतने सारे लिंक डालने से सिर्फ डिस्क्रिप्शन भरता है। तो गाइज एक मैंने शॉर्ट लिंक बना दिया है प्लेलिस्ट का, गाइज सीधा जाइए वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ दिख जाएंगे। आपको अगर न्यू कबड्डी लीग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो गाइज वहाँ से जाकर आप वो न्यू कबड्डी लीग के बारे में जान सकते हैं। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि इंटरेस्ट रखते हैं कबड्डी में या फिर न्यू कबड्डी लीग में किसी में भी। गाइस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना था कि न्यू कबड्डी लीग की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ रही है कि जो न्यू कबड्डी लीग है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही चालू होने वाली है। और गाइस अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि ये चीज़ एकदम फिक्स है, गाइस अब आगे का पता नहीं। अगर कोई भी नई अपडेट सामने आती है न्यू कबड्डी लीग से रिलेटेड तो मैं वीडियो बना के आपको पहले ही बता दूंगा। सो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।